मामला ये था, आज से कुछ दिन पहले हमारे गांव के कुछ लड़कों ने अपहरण किया लड़की का। उसके बाद में मुकदमा हुआ, उसी दिन हमने लड़की को और जो दुल्हे राजा था उनको पेश कर दिया था। उसके बाद भी पुलिस ने दोबारा गांव में आना, दोबारा परेशान करना, उसके बाद हमने परेशान करने के बाद हमने तीन आरोपियों को और भी पेश कर दिया, वो भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की थी, लेकिन हमने खुद ने पेश किया। आज पुलिस दोबारा हमारे गांव की लेडीजों को जाके घर के अंदर घुसना, ये चीज उचित नहीं रहता है। हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, तो हम यही भी चेतावना चाहते हैं कि हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस के साथ में, अगर जो पुलिस हमारा रवैया अगर जो चेंज नहीं करेगी तो कल की तारीख में गर्म माहौल होगा, कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की रहेगी। हम हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का किसी भी आरोपी को, हम ये नहीं कह रहे कि आरोपी को छोड़ दो या आरोपी को बरका निकाल दो, जेल से निकाल दो, कुछ भी करो, हम आरोपी के सहयोग में नहीं है। लेकिन गांव में आके जो ये परेशानी किया, परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा, ये रवैया सही नहीं है। हमने जो भी आरोपी थे उनको पेश कर दिया है। उसके बाद में भी जो चून सिंह द्वारा पहले बोल रहे थे कि हमने अमीरा में सगाई करके रखी, अमीरा में 12 तारीख को बारात आने वाली थी, लेकिन 12 तारीख को अमीरा से बारात नहीं आई है, पोकरण से बारात आई, बारात भी कहीं भी नहीं आई, राजमथई में वही पास में बेरो में शादी की गई है। इनका चून सिंह का यही है कि मतलब एक जगह सगाई तोड़ के दूसरी जगह सगाई करना, चार पांच जगह से सगाई तोड़ के, ये उनका रेगुलर ये काम रहा है। समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है कि एक बार शादी करने के बाद दोबारा शादी होना, ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। हमारे इतिहास ऐसा है जिसमें तलवार और कटार के ऊपर शादी की जाती थी तो भी हमारे माने जाते थे कि ये जो लेडीज है ये उनकी हो गई है, और हमने चार फेरे खाए अग्नि में, चलो उसके बाद भी इन्होंने पोकरणों ने शादी की है, वो उनके ऊपर कलंक लगा है, दूसरा लगाया साखलों के ऊपर। लेकिन पुलिस से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, हम सहयोग कर रहे हैं तो हमारा भी सहयोग करे। हमारे किसी भी प्रकार के गांव के अंदर किसी लेडीज के किसी के घर के अंदर घुसना ये उचित नहीं रहेगा। हम राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा ये स्पेशल और पूरे गांव का यही निवेदन है कि आप आइए, हम सब आए गांव एक साथ होके, और हम यही कहना चाहते हैं इस मामले में किसी भी प्रकार की प्रशासन गलतफहमी मत पाले। गांव के अंदर लेडीजों के जाके घूंघट ऊपर करना देखना ये कहां तक का उचित है? हमारे समाज में है, हमारे राजपूत समाज है, ऐसा कोई गिरा हुआ समाज नहीं है जिसमें आप गांव में आके ऐसा करोगे, ये गलत निर्णय है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं और करेंगे भी।